हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में क्या हायरार्की सिस्टम होती है, यानी कि उसकी छोटी सी फंक्शनल इकाई से लेकर ऊपर की कौन कौन सी इकाइयां हैं। तो आज बात करेंगे सबसे छोटी और फंक्शनल इकाई स्पीशीज़ की, और बहुत सारी स्पीशीज़ एक ही स्पीशीज़ की जो ग्रुप है उसका पॉपुलेशन की, बहुत सारी पॉपुलेशंस के समूह को जिसको हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं, एंड फिर पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्पीशीज़ को डिफाइन करेंगे। स्पीशीज़ क्या होती है? प्रजाति। स्पीशीज़ यानी कि प्रजाति। प्रजाति किसे कहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्राणी जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, प्रजनन कर सके, और उनका जो ऑफस्प्रिंग है, शिशु है, वो भी आगे प्रजनन कर सके, उन सभी प्राणियों को हम एक स्पीशीज़ के प्राणी कहेंगे। तो यानी कि दूसरे शब्दों में स्पीशीज़ के सभी प्राणी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रजनन करने वाला शिशु जो है वो पैदा कर सकते हैं, यानी कि उनका शिशु भी आगे प्रजनन कर सकता है। ये जो स्पीशीज़ का सिद्धांत था, ये इसको हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये अर्नेस्ट मेयर ने 1942 में दिया था। उदाहरण के तौर पर जितने भी एक ज्योग्राफिकल रीजन जैसे कि सूरतगढ़ में जितने भी डॉग्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रीड के हैं, चाहे वो पोमेरियन है, एल्सेशियन है, जर्मन शेफर्ड है या कोई गली का कुत्ता है, वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। क्यों एक स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं? क्योंकि आपस में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनका जो आगे शिशु है वो भी प्रजनन कर सकता है, तो वो एक ही स्पीशीज़ के सभी प्राणी हैं। मानव की जो अब जो प्रजाति पाई जाती है इसको हम सैपियंस कहते हैं। तो मानव मनुष्य का पूरा नाम है, बायोलॉजिकल जो जूलॉजिकल या साइंटिफिक नाम है वो है होमो सैपियंस। यहाँ पे सैपियंस उसकी प्रजाति है, स्पीशीज़ है। तो जितने भी ये रेसेस हैं, जितनी भी अफ्रीकन रेस होगी, एशियन रेस होगी, यूरोपियन रेस होगी, जितनी भी रेसेस हैं ये अलग अलग रेसेस हैं, लेकिन सभी मानव एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। ये जितनी भी रेसेस हैं एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करती हैं। क्यों? अगेन ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के ऊपर खरा उतरता है, क्योंकि ये सभी मनुष्य आपस की, ये सभी रेसेस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इनसे पैदा होने वाले जो शिशु हैं वो भी आगे प्रजनन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी स्पीशीज़ को समझाने के लिए। जैसे आपने म्यूल, खच्चर जो है वो आपने टट्टू जो है आपने सुना होगा, जो कि एक नर है लेकिन स्टेराइल मेल जो है ये होता है। जो म्यूल है या टट्टू है ये स्टेराइल मेल है, ये स्टेराइल आगे प्रजनन नहीं कर सकता। ये हाइब्रिड होता है फीमेल हॉर्स का और मेल डोंकी का। तो क्योंकि ये स्टेराइल है आगे प्रजनन नहीं कर सकता, इसलिए हम हॉर्स और डोंकी को दो अलग अलग स्पीशीज़ मानते हैं। दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। तो क्योंकि स्पीशीज़ की क्या जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जो उनका शिशु है वो भी आगे प्रजनन जो है वो करना चाहिए। यदि ये जो टट्टू है, म्यूल है, आगे प्रजनन कर सकता तो हम हॉर्स और डोंकी को एक ही स्पीशीज कहेंगे। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एक ही स्पीशीज के सभी प्राणियों के समूह जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी एक स्पीशीज़ के सभी प्राणियों के समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर से, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही स्पीशीज़ के सभी प्राणियों के समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो जैसे गंगानगर में जितने भी कुत्ते हैं, चाहे वो अलग अलग रेसेस के हैं, अलग अलग ब्रीड के हैं, लेकिन उनकी एक पॉपुलेशन हो गई। इसी तरह से जो टिड्डी है एक ही स्पीशीज़ के प्राणी हैं सारे, तो इनकी एक पॉपुलेशन हो गई। तो ये पॉपुलेशन यानी समिष्टि क्या है? समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? एक ज्योग्राफिकल एरिया की, एक क्षेत्र की, यानी कि
अलग अलग स्पीशीज़ के समूह को हम कम्युनिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितना भी बायोटिक कंपोनेंट है, जितना भी जैविक संगठन है, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो फंगल्स हैं, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो किसी भी नीम के पेड़ों का पॉपुलेशन है, तो अलग अलग पॉपुलेशंस का जो समूह है किसी एक एरिया में, उसको हम समुदाय कहते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, कोरल रीफ है, तो इसमें ये एक पॉपुलेशन हो गई, ये मछलियों की, दूसरी पॉपुलेशन आप ये कोरल्स की देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट पॉपुलेशंस, लेकिन ये सारे जैविक संगठन होना चाहिए। तो जितने भी जीव हैं उनके सारे अलग अलग जो पॉपुलेशन के समूह को हम समुदाय कहते हैं। इससे ऊपर आ गया इकोसिस्टम। तो यदि हम नीचे से ऊपर देखें तो सबसे छोटी इकाई होगी स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर पॉपुलेशन यानी कि समिष्टि, समिष्टि के ऊपर समुदाय, समुदाय से बड़ा हो गया इकोसिस्टम। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो जैविक संगठन प्लस अजैविक संगठन है, उनका जो मिश्रण है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम, ये एक वेटलैंड एरिया में भी आता है, ये वेटलैंड इकोसिस्टम आप कह लीजिए। तो इसके अंदर जो इसके इस वेटलैंड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेस हैं, ये एबायोटिक हो गई। जो इस वाटर का टेम्परेचर है, वाटर क्वालिटी है, वाटर की टर्बिडिटी है, वाटर का प्रेशर है, ये सारे के सारे क्या हो गए, अजैविक जो हैं पार्ट्स हो गए। तो वाटर टेम्परेचर, वाटर क्वालिटी, वाटर टर्बिडिटी, वाटर प्रेशर, गैसेस इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन वाटर एटसेट्रा, डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर में जो लाइट की प्रेजेंस है, ये सारे जो हैं इसके एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, इसमें आप अगर इसको देखें हम, तो हम बायोटिक फैक्टर्स को प्रोड्यूसर्स यानी कि जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, तो सारे ग्रीन प्लांट्स जितने भी हो गए प्रोड्यूसर्स हो गए। देन ग्रीन प्लांट्स में भी आप देखेंगे कुछ प्लांट्स जो हैं वो इमर्जेंट्स हैं, बाहर निकले हुए हैं, कुछ अंदर डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं, कुछ फ्लोटिंग हैं, जो तैर रहे हैं वो फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए। तो अलग अलग इसके कॉम्पोनेंट्स हो गए। तो प्रोड्यूसर्स के बाद आता है कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर हम जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूसर्स से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कंज्यूमर्स कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उसके बाद उसमें भी प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधा प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता जो प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, इस तरह से पूरी एक चेन बनती रहती है। तो ये सारे हो गए उसके जैविक संगठन हो गए, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट पॉपुलेशंस, ये जैविक हो गई। तो सभी के जो मिश्रण हो गया, इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र का आप एक रीजन्स में देख सकते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट देखेंगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, मैदानी इलाका देखेंगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, इस तरह से डेजर्ट देखेंगे तो डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, कोई फील्ड देखेंगे तो फील्ड इकोसिस्टम हो गया, इस तरह से समुद्र के अंदर मरीन वाटर इकोसिस्टम हो गया, उस मरीन में उथले जल में कोरल्स पाए जाते हैं, कोरल रीफ इकोसिस्टम हो गया। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का बहुत अच्छा उदाहरण है रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम इत्यादि। तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं एक रीजन में। एक रीजन में बहुत सारे अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। जैसा आप राजस्थान में देखते हैं, जैसलमेर बाड़मेर के सैंड ड्यून्स, ये डेजर्ट इकोसिस्टम एक इलाका है। कुछ फॉरेस्ट एरिया से पाए जाते हैं, जैसे केवला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण है। इस तरह से आप पॉन्ड्स भी देखेंगे, रिवर्स भी देखेंगे, तो अलग अलग इकोसिस्टम एक एरियाज के अंदर होते हैं। और अब उससे ऊपर बात आती है बायोम्स, किसे कहते हैं। तो बायोम बहुत बड़े क्षेत्र का एरिया जो एक जैसा दिखाई दे, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी हैं, इसीलिए उस पूरे एरिया को हम बायोम्स कहते हैं। तो
इस पिक्चर में आप देख पाते हैं कि बायोम्स आप ये हो गए आपके लैटिट्यूडनल जो हैं बायोम्स हो गए, यानी कि लैटिट्यूड्स के हिसाब से जो हैं बायोम्स हो गए। सबसे ऊपर के इलाके ध्रुवीय इलाकों में आप नॉर्थ ध्रुव में जो है वो देख पाएंगे टुंड्रा बायोम जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के नीचे जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ और केवल काई के रूप में पेड़ वगैरह बिल्कुल नहीं होते, काई के रूप में जो है वो लाइकन्स एंड एल्गी के रूप में जो है वो प्लांट्स हैं, केवल हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ है, बहुत एक्सट्रीम जो है कोल्ड कंडीशंस हैं, ये टुंड्रा बायोम कहलाता है। टुंड्रा के नीचे टैगा यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट आप देख सकते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाएं आप लैटिट्यूड के हिसाब से तो आप ग्रासलैंड्स देखेंगे, जैसे प्रेरी है, पंपास हैं, ये ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में का एरिया एक जैसा दिखाई दे, क्योंकि एक जैसे वेजिटेशन के रूप में दिखाई दे क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी है, तो उसको हम जो है बायोम कहते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है, बहुत बड़ा एरिया जो है आपको डेजर्ट ही दिखाई देगा, सहारा डेजर्ट है। तो ये डिफरेंट बायोम्स हैं वर्ल्ड के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।